इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये तो मैंने बता दिया कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब आपको सीखना है कि अमोनिया डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो किस तरीके से आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स पे अटैच होते हैं। सबसे पहले हम अमोनिया डेरिवेटिव्स देखते हैं, क्योंकि पहले पहचानना ही इनको क्वेश्चन है। अमोनिया डेरिवेटिव्स में आपको पता है अमोनिया क्या होता है, NH3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-5। तो आउटर मोस्ट में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। आपने तीन बॉन्ड बना दिए, 1, 2 और 3, तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद नाइट्रोजन पे ये बचता है लोन पेयर, और ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर एक नेगेटिव चार्ज की तरह होता है। किसकी तरह, एक नेगेटिव चार्ज की तरह, या आप ये कह लो कि नाइट्रोजन यहां पर अगर उस पर एक लोन पेयर है तो इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट विल एक्ट एज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए अमोनिया डेरिवेटिव्स में क्या है, अगर यहां पर ये तीन हाइड्रोजन है, इन तीन हाइड्रोजन को हटा के मैं कोई भी ग्रुप जेड ऐड कर देता हूं, कोई भी ग्रुप क्या ऐड कर देता हूं, जेड, तो वो डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनिया के। अब आप देखिए यहां पे NH2 है और ये जेड है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं NH2 और ये आपका हो गया जेड। क्लियर, जेड कुछ भी हो सकता है लेकिन लोन पेयर तो नाइट्रोजन पे है, और ये आपकी साइट एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है जो हमेशा किसको ढूंढती है, पॉजिटिव सेंटर को, और वो पॉजिटिव सेंटर कौन प्रोवाइड कराता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर, ये जो कार्बन है इस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है, और इस कार्बन पर डबल बॉन्ड का मतलब है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अगर है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। एक और केमिस्ट्री का ट्रायंगल क्या होता है, केमिस्ट्री का ट्रायंगल ये होता है हर एंगल कितने डिग्री पर, हर एंगल 120 डिग्री। तो यहां पर इस CH3 और इसके बीच में 120 डिग्री एंगल, दो CH3 के बीच में 120 डिग्री एंगल, और इसके बीच में 120 डिग्री एंगल, और ये एक प्लेन पे रखा है ऐसे। जो आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा वो ऊपर से आके ऐसे अटैक करता है, ठीक, उसके लिए लोन पेयर है, और इस लोन पेयर को क्या कंसिडर करना है, एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। सबसे पहले हम कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करते हैं। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये जो CH3 है, CO नेगेटिव इधर पॉजिटिव और ये CH3, यहां पर अब भी ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि कार्बन पर जब पॉजिटिव सेंटर होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ज्योमेट्री यही होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसको ये जो साइट है ये ऊपर से आके इसके ऊपर अटैक करेगी। क्लियर, जब ये ऊपर से आके अटैक करेगी तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 ओ नेगेटिव, ये मैंने थोड़ा टिल्ट कर दिया नीचे, और ये आपका आ गया NH2 ये, और इधर आ गया जेड। अब सोचने वाली बात ये है कि नाइट्रोजन के पास अब कितने बॉन्ड लगे हैं, दो हाइड्रोजन, एक ये और एक ये, तो टोटल नाइट्रोजन के बाहर कितने बॉन्ड लगे हैं, 4। अगर तीन बॉन्ड लगे होते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4 बॉन्ड लगे हो गए तो कितने हो गए, 9, क्योंकि आउटर मोस्ट में 5 है ना नाइट्रोजन के, और मैंने इससे 4 बॉन्ड और लगा दिए तो टोटल कितना हो गया, 9। जैसे NH4 पर क्या चार्ज लगाते हैं, हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, तो यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज लगेगा, पॉजिटिव। ये है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप में हमारा क्या होगा, देखिए ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, ये पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन को अनस्टेबल बना रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, ये हाईली अनस्टेबल कंडीशन होती है। और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड के साथ खुश रहता है, 3, आपने कितने लगा रखे हैं अभी, 4। तो यहां से जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये मूव करेगी
और ये हाइड्रोजन निकल के किसके पास चली जाएगी, ओ नेगेटिव के पास। क्लियर? जब ये ओ नेगेटिव के पास जाएगी हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन बची, तो हम क्या लिखेंगे, सी एच थ्री सी एन एच और ये जेड, और यहां पर ये हो गया ओ एच और ये आपका सी एच थ्री। ये हमारा सेकेंड स्टेप, ये जो हाइड्रोजन थी ये माइग्रेट करके इधर आ गई। सर नाइट्रोजन न्यूट्रल क्यों कर दिया? बच्चों नाइट्रोजन के पास अब तीन बॉन्ड हो गए, एक दो और तीन, और नाइट्रोजन पे अगर तीन बॉन्ड होते हैं तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया। क्लियर? अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होता है डिहाइड्रेशन। कोई भी आप एसिडिक प्रेजेंस ले लीजिए, तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, यहां से OH जाएगा, O पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर? प्रोटोनेशन करके मैं दिखा नहीं रहा हूं, आप खुद समझ लीजिएगा। देखिए, और यहां से ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे आपको पता है लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन पे जब तीन बॉन्ड लगे होते हैं तो क्या चार्ज, एक लोन पेयर उस पर होता है। पॉजिटिव लोन पेयर में यहां पर क्या बनेगा, बॉन्ड। और जब पॉजिटिव लोन पेयर में यहां पर बॉन्ड बन जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी एन एच, इन दोनों के बीच में आके डबल बॉन्ड, ये आपका जेड यहां पर ऐसे ही है, ये जो ओ एच है यहां से जा चुका है, ओ एच आप ऐसे बार कर दीजिए, और ये सी एच थ्री। अब देखिए नाइट्रोजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रीजन ये है कि नाइट्रोजन पे फिर से चार बॉन्ड लगा दिया आपने, एक दो तीन और ये एक हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन फिर अपने आप को न्यूट्रल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड नॉट कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये जो हाइड्रोजन है ये फिर से रिलीज होगी और ये किसके पास चली जाएगी, OH, और जब ये OH के पास जाएगी तो आपका कंपाउंड क्या बना, सी एस थ्री सी सी एस थ्री डबल बॉन्ड N और ये Z, और क्या रिलीज हो गया, H2O। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना फाइनल। अगर मैं एसीटोन की रिएक्शन किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव से कराता हूं तो क्या रिलीज होता है, H2O। डायरेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस ऑक्सीजन को हटाइए यहां से, इस हाइड्रोजन को हटाइए, आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म समझाया मैंने, मैकेनिज्म क्लियर हो गया। मैकेनिज्म में आपको सिर्फ जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव हैं उसमें जेड को रिप्लेस करना है, जेड को रिप्लेस करना है, और बाकी पूरा का पूरा आप इसको, जेड को मतलब समझिए टेल। क्लियर? अब देखते हैं अमोनिया डेरिवेटिव कौन कौन से हैं। इसको लेक्चर को दो या तीन बार देख लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आगे मैं एसिटल और हेमिट एसिटल बनाना सिखाऊंगा, साइनोहाइड्रिन बनाना सिखाऊंगा, उनमें सेम मैकेनिज्म है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अब आप देखिए नेक्स्ट कैसे हम अमोनिया डेरिवेटिव्स को लिखेंगे। देखिए जी, शुरू से देखिए मैंने किसको रिएक्ट कराया, मैंने कराया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री को किससे रिएक्ट कराया था, NH2 और Z से। तो आपका जो प्रोडक्ट बना क्या बना, मैंने कहा था इस ऑक्सीजन को निकाल देना और इस हाइड्रोजन को निकाल देना, डायरेक्ट सी डबल बॉन्ड ओ को नाइट्रोजन से जोड़ दो, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एन और जेड और ये सी एच थ्री। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि सर ये अमोनिया डेरिवेटिव आप बना रहे हैं तो टोटल हमें अमोनिया डेरिवेटिव कौन कौन से लेने हैं। सबसे पहले देखिए अमोनिया डेरिवेटिव्स, बच्चों मैंने NH2Z कहा आपको, अब मैं इसको Z को चेंज करता चला जाऊंगा, आपके जो भी प्रोडक्ट होंगे वहां बनाते चले जाइएगा। सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन में Z हो जाएगा NH2, तो आपका प्रोडक्ट हुआ NH2 और NH2। क्लियर? क्योंकि ये तो टेल है, Z मैंने ये ले लिया तो यहां पे NH2 लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सब फिर हम लेंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है, NH2 ऐसे रहेगा,
इस बॉक्स में आ जाएगा OH, ये हो गया हाइड्रोक्सिल अमाइन, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप है, क्लियर। नेक्स्ट हम लेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन क्या होगा, हाइड्राजीन तो पूरा लेना पड़ेगा, NH2 NH और ये हो गया फिनाइल ग्रुप, तो यहां पर हमारी टेल हो गई। ये आप क्या भूल जाओगे बता देता हूं, अभी आप भूलोगे ये, डायरेक्ट NH2 से बेंजीन रिंग जोड़ दोगे और उसका नाम दे दोगे फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में जरूरी है दो नाइट्रोजन आने जरूरी है, ठीक है, ये है फिनाइल हाइड्राजीन। नेक्स्ट है, ये बोर्ड में भी आ चुका है, 2,4-DNP इसको बोलते हैं, नाम क्या है इसका, 2,4-DINITROPHENYLHYDROGEN। देखिए NH2 NH सेम जो ऊपर लिखा है वही आएगा, देखिए 2,4 पर डाइनाइट्रो ग्रुप लगा है, ये पोजीशन कौन सी है 2 और ये पोजीशन कौन सी है 4, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 2 और 4 पोजीशन पे दो नाइट्रो ग्रुप लगे हैं और कौन से ग्रुप पे लगे हैं, फिनाइल ग्रुप, ये बेंजीन, 2,4-DINITROPHENYL और ये हाइड्रोजीन मतलब दो नाइट्रोजन, और यहां पर ये पूरा का पूरा ग्रुप जेड है, समझ गए। और लास्ट आता है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड क्या होगा, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक, ये यहां पर जेड है, जहां पर मैंने राउंड ऑफ किया है वो सब जेड है, ये आपको सिर्फ टेल पे ये ग्रुप लगा देने हैं और इनको प्रैक्टिस करना जरूरी है, 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, ये 5 अमोनिया डेरिवेटिव।